अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये मेरा नाश्ता, फ्राई एग, दो स्लाइस ब्राउन ब्रेड के और चाय का कप। और अब्बू जी माशाल्लाह जी नाश्ता करके बैठे हुए हैं, चाय अब्बू जी की पड़ी हुई है और इधर ये मार कुटाइयों को लगे हुए हैं सुबह सुबह और मार कुटाई के साथ जी ये हमारा नाश्ता। मैंने कहा मैं आपको नाश्ता दिखा लूँ और गुड मॉर्निंग भी कह लूँ। धुआंधार चाय, अभी चाय का धुआं निकल रहा है, इसको मैं रखूँगी साइड पे। तो अब मैं करूँगी नाश्ता। नहीं सुबह दिया तुसी जो महंगा दिया खबर मुनु सुना छड़िया ने। हाँ डॉलर महंगा हो गया और चीज वेड़ी 500 दी सी और 1400 दी हो गई है, तीन गुना इजाफा। हाँ जी 90 रोज में इलेक्शन हो जाने, यहाँ चल रहा है जी बुजुर्ग का फ्रूट टाइम, इसके बाद फिर बुजुर्ग को खाना मैं दूंगी। वो हार्ट पार्ट के ऊपर है, तीन महीने चाह न्यूज अबू सुन रहे हैं जी बड़े जोरों शोर से न्यूज सुनते हैं सारा दिन बैठ के इमरान खान के बारे में ना। देखें जी कौन आया है बत्ती बाली, तुसी बाहर हो आए हो ता ता नेरा लगना है। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ जी दुनिया, आ जाओ अपना फोन, आ जी मुबारक हो जी, बहुत बहुत शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, किधर आ तू अपनी चीजें ले, देर तब तेरे लिए क्या लेके आए हैं। मलाई वाले गुलाब जामुन, ठीक है, और ये मैं जोने का भाई लेके आया जोने के लिए, ठीक है भाई नहीं जोना ही है, जोना ही, ये देख पकड़ दे, पकड़ लो पकड़ लो। और जी ये जोने की खीर है, बड़ी मजे की बनी है, कल बनाई आप सारी रात देख है, ये देख ना हंस के भाई ने खुद ही खीर बनाई है, ये देख, ये देखो ये मलाई देख कितनी मोटी है जी, भाई खुद ही खीर बना के लाया माशाल्लाह। ओए नहीं थैंक यू, चलो ये अभी कुछ खीर आनी थी सारे आनी थी। हेलो जी, तुसी भी अपनी खीर बोलो, ये हो गई जी मेरी खीर। हां खीर अब उन्होंने देखे कि खुशी टिक रहा जाती है, नहीं नहीं पढ़ ली है, लो खीर दो सारे ना। ये 6 केजी जी घी की तकरीबन मेरे ख्याल में 2 किलो मसा तैयार है, बाकी सारा है ना 2 किलो ही लगती है, दो भी पूरी होनी काट नहीं, दो दो हां सर पौने दो ला ले। 6 किलो जी ये था दूध, उन्हें काढ़ काढ़ के काढ़ इतनी सिर्फ प्याली चावलों की अंदर डाली है इसने, 2 किलो होनी है थोड़ा डब्बा है ना, 2 किलो, हां 2 किलो होनी है, सीधी रात चलती रे बस, मलाई वाले मामा ने क्या आती थी ना जो निकली गुलाब जामुन। ये देखें जी, ये देखें जी हम आए हैं जलगरी, तो आपको यहाँ का विजिट करवाएंगे अगर उन्होंने अलाउ किया वीडियो बनाने को। ये देखें जलगरी की, ये देखने जल्दी से ट्राउजर्स शलवार ट्राउजर,
देखें जी, जूते, परफ्यूम्स और ये जी ज्वेलरी के बैग। इस टाइम भी ज्वेलरी शॉप पे खड़ी हूँ मैं। तो जी आज मेरे घर बहुत स्पेशल मेहमान थे साइमा की अम्मी, जिनके लिए मैंने फ्रूट चाट, दही भल्ले, ये चिकन ब्रेड रोल थे विद चीज़, इनकी जो रेसिपी है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी रोज़ों में। और जी उन्होंने मेरे आके मेरे घर में रौनक बख्शी। और जी ये मैंने बनाए थे चिकन पकौड़ा, इनकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। ये ज़ारा की अम्मी करके आई हैं उमरा, और ये ज़ारा ये लेके आई है, ये ज़ारा है। ज़ारा बात दिखाओ, ज़ारा छोड़ी बल, ज़ारा बहुत प्यारी है, ज़ारा बहुत प्यारी है जी। ज़ारा हमारा वो है तोता, बोलने वाला तोता, सभी बहुत प्यारी है। ये जी आज मैंने बनाए हैं मिनी पिज़्ज़ा, जैसा कि आपने मेरी बाकी डिशेस भी देखी हैं। और बस जी जल्दी जल्दी आनन फानन हुआ है, साइमा और उसकी अम्मी आई हैं, उसकी मतलब मुझे मिलने आई हैं, इस्लामाबाद से आई हुई थी, तो मैंने कहा चले मेरी तरफ भी ज़रूर मिलने आइएगा। तो ये जी मिनी पिज़्ज़ा बने आज, ये देखें जी ऐसे ये तवा, तवे के ऊपर ये ट्रे रख के मिनी पिज़्ज़ा बने हैं, ज़बरदस्त, बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार। ये किसी मैं बनाऊंगी, आज मेरे पास टाइम कम था, मेरे गेस्ट भी आ गए। और ये देखें इस तरह ये बन के, ये तो खैर मैंने इसको पहले पूरी रोटी को मैंने बेला है, फिर कोई गोल बड़ा गिलास ले कर उसमें से कट करके इसके अंदर रखे हैं मैंने, और ये बड़े जी मज़ेदार बड़े यम्मी बने हैं। मैं आपको नीचे से भी दिखाऊँ, ये देखें ज़बरदस्त बने हैं जी माशाल्लाह सारे, वेरी यम्मी वेरी यम्मी वेरी यम्मी। ये देखें नज़र आ रहे ना जी, बड़े मज़ेदार बने हैं। ये मैंने बनाया है साबा को देने के लिए, मुझे साबा भी आ गई तो उसको मैंने बुलाया था, तो ये जी साबा के लिए मैंने स्पेशल मोटा बनाया है जी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त, ये जी साबा के लिए बनी है, ये साबा लेके जाएगी अपनी बहू के लिए, कह रही मेरी बहू प्रेग्नेंट है बाजी, जितना कुछ भी आपने खाने के लिए दिया इसने खुद नहीं खाया, कहती मैं अपनी बहू को दूंगी, उसको ज़रूरत है, उसका बच्चा होने वाला है। तो ये देखें ये माँ भी बड़ी अच्छी है, सास भी बड़ी अच्छी है, बस बाकी इसके अपने नसीब हैं जी कि इसका भी कोई ऐसे ख्याल करता।